काशी या वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से है। ऋग्वेद और महाभारत में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पर वर्तमान जगह बना मंदिर असली प्राचीन मंदिर नहीं है। इसे सन 1780 में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। असली मंदिर बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद की जगह बना था। हजारों साल पुराने इस असली प्राचीन मंदिर को विदेशी मुस्लिम लुटेरों ने कई बार तोड़ा। आखिरी बार मुगल आतंकवादी औरंगजेब ने सन 1669 में तोड़वा कर इसकी जगह पर मस्जिद बनवा दी, जो ज्ञानवापी के नाम से जानी जाती है। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को अफगान सुल्तान मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक से तोड़वा दिया था। ऐबक ने वाराणसी के राजा जयचंद्र को युद्ध में पराजित करके मार दिया था। ऐबक के दिल्ली वापस जाने के बाद जयचंद्र के बेटे हरिश्चंद्र ने वाराणसी पर फिर अधिकार कर लिया और मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी या हुसैन शाह शर्की ने इस मंदिर को फिर तोड़ दिया। मुगल बादशाह अकबर के वक्त राजा मानसिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सन 1585 में राजा टोडरमल ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया। सन 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी फौज भेजी थी, पर हिंदुओं के जबरदस्त प्रतिरोध की वजह से यह मंदिर तो बच गया, पर दूसरे तमाम मंदिर तोड़ दिए गए। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाने का फरमान जारी किया। यह फरमान यानी सरकारी आदेश आज भी भारत सरकार की एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में रखा हुआ है। उस वक्त के मुगल शाही इतिहासकार साकी मुस्ताद खान ने अपनी किताब मासिर आलमगीरी में इस घटना को डिस्क्राइब किया है। उसने लिखा है कि बादशाह औरंगजेब के फरमान से काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया और उस जगह पर मस्जिद बनवाई गई और काशी के हजारों ब्राह्मणों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। सन 1780 में मराठा एम्पायर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद की बगल में नए मंदिर का निर्माण कराया। सन 1853 में यानी 1853 में सिख एम्पायर के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद को 1 टन सोने से मढ़वा दिया था। औरंगजेब के वक्त के तमाम मुस्लिम राइटर्स ने अपनी किताबों में औरंगजेब द्वारा करवाए गए तमाम मंदिरों के विनाश को बड़ी खुशी के साथ बयान किया है। ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू मंदिर है, इस बात को एक अंधा इंसान भी हाथ से छूकर बता देगा। मस्जिद की साउथ साइड यानी दक्षिणी दिशा की दीवार मंदिर की ही है, जिसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया गया है। फोटो में देखें। नए मंदिर में नंदी की एक प्राचीन मूर्ति बनी है, जिसका मुंह शिवलिंग की तरफ ना होकर मस्जिद की ओर है, जबकि नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ही तरफ होता है। साफ है कि मस्जिद की जगह प्राचीन मंदिर ही था। जरा सोचें, क्यों भारत के प्रमुख मंदिरों पर मस्जिद बनाए जाने का विवाद रहा है? चाहे अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर हो, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि या गुजरात का सोमनाथ मंदिर और बहुत से। We'll be right back.
विदेशी इस्लामी लुटेरों ने भारत में हजारों मंदिरों और भव्य इमारतों को नष्ट कर दिया था। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड फेमस थी, को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। वहां इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक वो जलती रही। बिहार की ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी, बंगाल की सोमापुरी यूनिवर्सिटी, जगदल यूनिवर्सिटी, गुजरात की वल्लभी यूनिवर्सिटी और न जाने कितनी लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज को इन मजहब में अंधे जाहिल लुटेरों ने नष्ट कर दिया था। याद रहे, इन विदेशी जाहिल आतंकवादियों ने भारत में तो हजारों सुंदर इमारतों का विनाश कर दिया था, पर जिन देशों से ये आए थे, यानी मध्य एशिया, जैसे तुर्की, मंगोलिया, ईरान, इराक, वहां इन्होंने कोई भव्य इमारतों का निर्माण नहीं किया था। ताजमहल, कुतुब मीनार बनाने का दावा तो ये करते थे, पर अपने देशों में इनके पास दिखाने के लिए रत्ती भर भी नहीं था। साफ है कि ये सभी भारतीय इमारतें भारतीय राजाओं का निर्माण है, जिन पर इन झूठे लोगों ने कब्जा कर लिया था। मैंने ताजमहल और कुतुब मीनार पर बनाए गए अपने रिसर्च वीडियोस में यह साबित किया है। दुर्भाग्य यह है कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, पर हिंदू आज भी मानसिक तौर पर गुलामी है। हिंदू समाज को संगठित होकर सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि असली मंदिर की जगह उसे वापस दी जाए। महाभारत महाग्रंथ और मनुस्मृति का एक प्रसिद्ध श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। अगर समाज चुप रहेगा तो पापियों और अधर्मियों का राज होगा और सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी घंटे का निशान प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो तत्काल देखने को मिले। नमस्कार।